वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मैकबुक आया है और जिसका मॉडल है A1989 और ये मेरे पास डेड कंडीशन में आया है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको हमने किस तरीके से रिपेयर करना है। अगर आप भी लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे सीखना चाहते हैं, चाहे वो जेनरिक हो चाहे मैकबुक हो, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बेसिक टू एडवांस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप इन कोर्स से साथ जुड़ते हैं तो आप अपने लिए निश्चय ही 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आप अपने लिए 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे आप जब काम करते हैं तो आपको अर्निंग होनी है, क्योंकि लोगों के जो गैजेट्स हैं ये काफी महंगे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप है, और अगर मैं इसके मॉडल को आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका मॉडल है, और जो मॉडल नंबर है अगर आप देखेंगे तो A1989 है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, अच्छे से देखेंगे यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मॉडल है A1989। तो आज मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 5 स्क्रू दिए गए हैं, 6 स्क्रू दिए गए हैं, 4 बॉटम में हैं और 2 हमारे टॉप में हैं। टॉप वाले स्क्रू जो हैं वो थोड़े लेंथ में थोड़े से लंबे होंगे और जो बॉटम वाले हैं वो थोड़े छोटे होंगे। स्क्रू मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, तो देखिए जब आप इसको स्क्रू खोल लेंगे तो इस तरीके से आपने इसको बैक करना है। इसके लिए आप एक प्लास्टिक की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्क्रू खोल लें, देखिए इसमें आपको खोलना और बंद करना आना चाहिए। जब ये सीट डल गई है तो इस तरीके से मैं इसको बैक हैंड पे खींचूंगा दोनों तरफ से। देखिए यहाँ से देखिए हल्के हाथ से इसको पीछे को खींचूंगा मैं, लॉकिंग होती है और इसको हम थोड़ा सा बैक साइड में खींचेंगे तो आप देखेंगे हमारा एक लॉक खुल गया है। सेम इस साइड में भी है, और देखेंगे इसको मैं इस तरीके से बैक साइड में प्रेस करूंगा तो मेरा खुल जाएगा। देखते हैं, देखिए ये मेरा खुल गया है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉक होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इनमें ये आगे से फंसा होता है, इसीलिए आपने इसमें जोर नहीं लगाना है। और साथ के साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 लॉक है वो इनके अंदर यहाँ पे लॉक हो जाते हैं, देखेंगे यहाँ पे ऐसे करके साइड में लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा फ्रंट जब खुल गया है, देखेंगे यहाँ पे हमारी बैटरी लगी है जो कि इनबिल्ड है, आप देखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 साइड में स्पीकर दिए गए हैं, और ये बैटरी इसमें चिपकी हुई है, और आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम में एक कॉइल दी है, और साथ में साथ यहाँ पे टच पैड भी है हमारा। अगर मैं इसको फ्रंट से दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टच पैड होता है। ठीक हो गया, तो फिलहाल अभी मुझे इस मदरबोर्ड पे काम करना है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 फैन दिए गए हुए हैं, और यहाँ पे इसका CPU लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास बूस्ट कॉइल देखने को मिल रही है, हर लैपटॉप में होती है। और हमारा जो ऊपर जो आप देख रहे हैं पैनल का कनेक्शन है, यानी कि टच पैड का, और हमारा इसका कनेक्शन है टच पैड का और डिस्प्ले का कनेक्शन है ऊपर। ठीक हो गया, तो हम कुछ बेसिक टेस्टिंग करेंगे इसके अंदर। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं इसकी बैटरी को रिमूव कर लेता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये बैटरी है इसका पत्ता ये है, और आप जो देख रहे हैं ये स्मार्ट बैटरी होती है, ये नॉर्मल बैटरी नहीं है। आप जो देखेंगे जो हमारा ये पत्ता है जो कि इस कनेक्टर से अटैच है, ये हमारी बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन मदरबोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, तो इस पत्ते को हम निकाल लेते हैं अच्छे से, और ये पत्ता ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप देखेंगे इसके नीचे यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है जिसका कैप जरा बड़ा सा है। तो हर मैकबुक के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे बैटरी लगी होगी ना, वहाँ पे इस तरीके का स्क्रू डेफिनेट आपको मिलेगा, जिसका जो इसका कैप है आप देखेंगे काफ़ी बड़ा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, देखेंगे इसका कैप सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो स्क्रू हमने संभाल के रखना है। इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे बैटरी लगी है, देखेंगे ये मदरबोर्ड में एक पत्ता लगा हुआ है और बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इसको चेक करना चाहें तो देखिए ये आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। देखिए मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ, और जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव में रख रहा हूँ तो ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये बैटरी स्मार्ट बैटरी है, जब तक इसको मदरबोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे वोल्टेज को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो एक तो आपने ये देखा। अब बात आती है मदरबोर्ड के अंदर जो ये कॉइल लगी है, हमें सबसे पहले इनके इम्पीडेंस को चेक करना होता है। तो मैं मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर रख लेता हूँ, और रेड वाली तार को हम ग्राउंड पर रखेंगे। इसको हम GR भी कह सकते हैं, यानी कि ग्राउंड रेजिस्टेंस। तो एक तार को मैंने ग्राउंड पे रखना है। सबसे पहले मैं बेसिक देखूंगा कि मेरा जो ग्राउंड है वो प्रॉपर है कि नहीं है।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी कॉइल लगी है, मैं इनके इम्पीडेंस को चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले कनेक्टर के पास में जो आ रहा है, यहाँ पे 0.25 इम्पीडेंस आ रहा है, और देखेंगे यहाँ पे भी 2.7 है, ये 3.2 समथिंग। देखिए इस तरीके से आपने कुछ ना बेसिक टेस्टिंग करनी है, जब आप इन चीज़ों में जुड़ेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 2.2, देखिए इसकी हेल्थ देखेंगे यहाँ पे 0.0, देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे बीप में नहीं आ रहा, इसका मतलब हाई इम्पीडेंस में है ये, इसको चेक कर लेते हैं। ये सब हाई इम्पीडेंस में है, होनी भी चाहिए क्योंकि ये प्रोसेसर के पास में, इसीलिए इनका इम्पीडेंस लो आ रहा है। देखिए बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि जब मेरे पास ये लैपटॉप डेड आया था, इसमें वाटर डैमेज के सिम्टम थे और उसमें चार्जिंग सेक्शन काम नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने इसको रिपेयर कर लिया है, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसके बारे में दिखाऊं कि इसके अंदर इंटरनल क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे जो मैंने इसको रिपेयर किया, ये इसका स्मैटिक है, और आप देखेंगे जो स्मैटिक है वो है हमारा A1989 का, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकली पेज नंबर 67 में, और आप देखेंगे 67 में आप देखेंगे ये बैटरी चार्जिंग आईसी है हमारी। और अगर मैं इसकी बोर्ड पे लोकेशन दिखाऊं तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, देखिए बोर्ड पे इसकी लोकेशन है U7000 और आईसी का नंबर है ISL9240। इसके अंदर हमारी जो है जो सप्लाई है वो नहीं आ रही थी। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे PPDC इन जो हमारा ये है, ये हमारी इन नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमने जब इसको डायग्नोस किया स्मैटिक के अकॉर्डिंग, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे यहाँ पे PPDC इन G3H ये वाली सप्लाई हमारे इस CLR पे नहीं पहुंच रही थी, जिसके वजह से हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था। देखेंगे ये रही मेरी चार्जिंग आईसी, तो हमने फाइनली इसको शॉर्ट आउट किया, और मैं आपको दिखाता हूँ अब इसको बैटरी को प्लग लगा के सिस्टम को ऑन करके। अगर आप चिप लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से। देखिए अगर केवल मैं इसको लगा दूं तो मेरा लैपटॉप ऑन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इस पत्ते का बहुत बड़ा काम है, तो इसको हम लगा देते हैं, और साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप को अडैप्टर की मदद से भी ऑन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पत्ते को हम लगा लेते हैं, देखिए ये मैंने लगा दिया है और इसको हमने लॉक कर दिया, ठीक है। अभी मैं बेसिकली ऑन करके देखता हूँ इसको, देखिए जैसे हम इसके फ्लैप को ऊपर करेंगे तो सेम, और थोड़ा सा वेट करेंगे नहीं तो फिर पावर बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ये ऑन हो गया है, और बहुत इजी वे में ये रिपेयर हुआ था। जब आप मैटिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। तो देखिए इजी तो नहीं कहेंगे, जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती तब तक वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन जब आप चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो फिर आपके लिए वो चीज़ें इजी हो जाती है। और आप देखेंगे जब ये लैपटॉप मेरा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है, मैं यहाँ पे पासवर्ड तो यूज़र का होगा अपना, तो एक बार देख लेते हैं क्या, अच्छा यहाँ पे कुछ आईडी के लिए बोल रहा है, तो कुल मिला के पासवर्ड तो यूज़र का होगा अपना, और ये रिपेयर हुआ। और मैकबुक की रिपेयरिंग आप ये समझिए अगर आप करते हैं तो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये आराम से कस्टमर से ले सकते हैं। होपली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरा वीडियो देखने लें, थैंक यू, धन्यवाद।